है। बच्चों साइड हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो है ना कलर किया, कलर मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने यही यूज़ किया है। तो उसके बाद वॉल्यूम मैंने 20 यूज़ किया है जी, और फिर मैं जो है ना क्लिनजिंग कर लूँगी। स्पंज दिखा देती हूँ आप लोगों को मेरे पास कौन सा है। तो स्पंज जी मेरे पास ये है, और ये मैंने मिनीसो से लिया था, तकरीबन इसे मुझे 1 ईयर होने वाला है। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक में भी ले सकते हैं इसे। और उसके बाद डर्मा क्लीन का मैं क्लिनजर यूज़ करूँगी। A few moments later. जी यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं मुझे क्लिनजिंग करते हुए, और ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं। हार्ड पार्ट इसका यूज़ नहीं कर रही क्योंकि हार्ड पार्ट से रैशेज़ हो जाते हैं। और थोड़ा सा मैंने जी ये इसके अंदर स्मूथिंग लोशन भी ऐड किया था। और यहाँ पे मैं थोड़े से मजीद गर्दन पे भी करूँगी क्योंकि गर्दन सन टन हो जाता है, तो इस वजह से हमें हर पार्ट की केयर करनी चाहिए, ठीक है जी। और यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं भाई, आज मैं अपनी स्किन केयर ज़रूर करूँगी। और मैंने आज जाना था एक बर्थडे पे भी, तो इसलिए मैं अपनी स्किन केयर भी कर रही थी कि ज़ाहरी बात है थोड़ा प्यारा दिखना चाहिए। और यहाँ पे मैंने पॉलिश यूज़ किया, तो पॉलिश मैंने यहाँ पे यूज़ किया, और मेरी स्किन काफ़ी ड्राई है, तो उसके अंदर मैं जो है ना लोशन ऐड करके फिर यूज़ करूँगी। और यहाँ पर जी मेरी स्किन केयर हो चुकी है, और यहाँ पर जी फ्रेश हो चुकी हूँ मैं। और उसके बाद ये अभी तो कलर आपको फील नहीं हो रहा, ड्राई होने के बाद फील होगा। और बाल भी मैंने स्ट्रेट कर लिए थे और तैयार भी हो चुकी थी। अब हम लोग जा रहे हैं डायरेक्टली में बर्थडे पे। मैंने कहा यहीं से व्लॉग शूट करती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। और यहाँ पे ये रोज़ मुझे बहुत ही पसंद आ रहे थे। और इसके बाद ये आप लोगों ने इनको पहले भी इनके मेरे चैनल पर इनके व्लॉग्स देखे हुए हैं, तो आज इनकी बर्थडे थी तो इन्होंने मतलब बताया किसी को भी नहीं है कि मेरी बर्थडे है, बस इन्होंने कहा कि आप गेट टुगेदर है, आप सब आइएगा। तो जी खाना लग गया, और यहाँ पे हम लोग अब खाना इंजॉय करेंगे। तो बर्थडे गर्ल बेचारी काम भी कर रही थी, अपनी बर्थडे भी इंजॉय कर रही थी। गेस्ट काफ़ी ज़्यादा थे, उनके अपने रिलेटिव्स आए हुए थे, उसकी पुप्पो वगैरह, खाला, मतलब पूरी उसकी फैमिली थी। तो यहाँ पे अब सब लोग बैठे हुए, इन्होंने हमारे लिए एक मतलब जो घर में खाना बनाया था वो सर्व किया, और उसके बाद इन्होंने बाहर से मंगाया। मतलब इनकी मोहब्बत चेक करें, इतनी ज़्यादा मतलब ये हमसे मोहब्बत करते हैं, और ये काफ़ी अच्छे लोग हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे गिफ्ट्स ओपनिंग की बारी आई, तो हमने यहाँ पे सोचा कि उन्होंने कहा कि गिफ्ट्स हम ओपन करेंगे, आप लोग देख के जाइएगा। यहाँ पे गेस्ट थोड़े कम हो चुके थे, तकरीबन यहाँ पे 11 बजे का टाइम हो रहा है, और ये गिफ्ट्स अपने ओपन कर रही है। लैपटॉप जो है ना इनके अपने अब्बू ने दिया है मेरे ख्याल से। और यहाँ पर हम लोग भी देख रहे थे कि गिफ्ट्स में क्या क्या, क्योंकि छोटे बच्चे भी गिफ्ट्स दे रहे थे, तो यहाँ पर ये ओपन कर रही हैं। कुछ तो छोटे बच्चों ने दिए, और ये जो देख रहे हैं यहाँ पे इस वाले में क्या है, हम खुद भी कंफ्यूज थे कि इसमें क्या है। तो ये जी हैंडबैग था, और जैसे ओपन किया तो हैंडबैग निकला, ये इनके अपने भाई ने दिया है, और काफ़ी अच्छा हैंडबैग था, और पिंक कलर वाला भी बहुत खूबसूरत, मतलब हर चीज़ इनकी बहुत प्यारी थी। बस अल्लाह इनके नसीब अच्छे करें। और यहाँ पर जी नेक्स्ट गिफ्ट की टर्न आती है अब। ओके माय यूट्यूब फैमिली, मैं यहीं पे अब व्लॉग जो है ना एंड करने लगी हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।